चार पांच जो स्टेट है वो चार पांच स्टेट का वास्तव है जो लड़कों की शादी नहीं हो रही। सिस्टम ने जो जो निर्णय लिए वो गलत ले लिए। जब वो लड़की शादी करेगी किसान के साथ, किसान के खेत मजदूर के साथ, उस लड़की के नाम पे सरकारी बैंक में सरकार ने उसकी 25 लाख की FD करना चाहिए। हमारे शरद चंद्र जी पवार साहब ने उस पर बात किया। जब सेक्स उसको नहीं मिलता टाइम पे तब भी वो डिप्रेशन में जाता है। आज सुबह के अखबार में एक हेडलाइन थी कि जॉब्स एंड इन्फ्लेशन आर द की इश्यूज इन दिस लोकसभा इलेक्शन। हेडलाइन नई नहीं है, जब भी चुनाव होते हैं बेरोजगारी मुद्दा बनती है और महंगाई मुद्दा बनती है, लेकिन मैं हैरान हूँ क्योंकि मैं जहाँ आई हूँ वहाँ मुद्दा बेरोजगारी उतना बड़ा मुद्दा नहीं है, महंगाई उतना बड़ा मुद्दा नहीं है, यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है शादी। यहाँ शादी नहीं हो रही और ऐसे कैंडिडेट मैदान में हैं जो ये वादा कर रहे हैं कि हम शादी करवाएंगे। शादी किसकी नहीं हो रही? शादी नहीं हो रही किसानों की। जो लोग खेती कर रहे हैं उनकी शादी नहीं हो रही, कोई उन्हें अपनी लड़की नहीं दे रहा। और यहाँ मैदान में एक कैंडिडेट है जिन्होंने ये कहा है कि अगर मैं जीता तो मैं आपकी शादी करवाऊंगा। कौन है वो कैंडिडेट, कैसे करवाएंगे शादी और ये पूरा मुद्दा क्या है, क्यों शादी इतनी बड़ी समस्या बन गई है और क्यों कोई लड़की खेती करने वाले लड़के या किसान से शादी नहीं करना चाहती। आज जिनसे मुलाकात करने वाली हूँ वो माढ़ा लोकसभा सीट पर वंचित बहुजन अघाड़ी पार्टी से प्रत्याशी हैं। क्या उनका नाम है और क्या है इस मुद्दे पर उनकी सोच, क्या करने वाले हैं वो जीतने के बाद अगर जीतते हैं तो, उनसे सारे मुद्दों पर इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। तो आज मेरे साथ यहाँ है माढ़ा लोकसभा सीट पर वंचित बहुजन अघाड़ी पार्टी के प्रत्याशी रमेश बारस्कर। किसान तक पे आपका बहुत बहुत स्वागत है रमेश जी। थैंक यू। और पहले शुक्रिया समय देने के लिए और दूसरा शुभकामनाएं आप आने वाले इलेक्शन में जीते, क्योंकि आपने जो इतना दिलचस्प वादा किया है लोगों से वो बहुत लुभा रहा है कि आप उन किसानों की, उन गरीब परिवार के लड़कों की शादी करवाएंगे जिनकी शादी नहीं हो पा रही है क्योंकि वो खेती करते हैं और किसानी करते हैं। क्या ये पूरा कैंपेन है और क्यों आपको ये वादा करना पड़ा है? ये शादी का जो मामला है, पिछले साल हमने एक मार्च निकाला था सोलापुर कलेक्टर ऑफिस पे जी। और वो मार्च निकालने के बाद पूरा महाराष्ट्र से मेरे को फोन आए, सब पूरा पत्रकार मेरा इंटरव्यू ले रहे और ये सामाजिक महाराष्ट्र का वास्तव है, पूरे इंडिया का वास्तव है। बोले तो चार पांच जो स्टेट है वो चार पांच स्टेट का वास्तव है जो लड़कों की शादी नहीं हो रही। तो हमने उस पर रिसर्च कर दिया कि शादी क्यों नहीं हो रही, किस लिए नहीं हो रही। तो हमारे वो सामने आ गया कि शादी किस किस लोगों की नहीं हो रही। तो पहली बात, किसान के लड़के की शादी नहीं हो रही, जो खेती में जो मजदूरी करता है उसकी शादी नहीं हो रही, जो छोटा मोटा बिजनेस जो टपरी लगाता है, दुकान लगाता है, उसकी शादी नहीं हो रही, वो दुकान में मजदूर है उसकी शादी नहीं हो रही। तो उसके बाद हमने सोच लिया कि ये शादी क्यों नहीं हो रही, उसका रिसर्च करने के बाद लड़कियों की संख्या कम है। अच्छा। और लड़कों की संख्या ज़्यादा है महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में जब लगभग 1000 लड़के रहेगा तो 882 लड़की है, इसलिए लड़की चॉइस कर रही है, लड़की के माता पिताजी चॉइस कर रहे हैं। तो वो चॉइस क्या कर रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि जो मेरी जो बेटी है उसकी शादी होने के बाद वो संसार ससुराल में आनंद से सुख समाधान से रहना चाहिए। तो सुख समाधान हम क्या सोचते हैं, लड़का तो अच्छा रहना चाहिए, उसके साथ साथ उसकी आर्थिक प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, उसका आर्थिक बजट अच्छा होना चाहिए। तो आप जिन लड़कों की शादी नहीं हो रही है उनके माता पिताजी का आर्थिक बजट ठीक नहीं है, उनके पास खेती नहीं है, उनके पास बड़ा बंगला नहीं है। तो क्या हो रहा है महाराष्ट्र में, जो पुणे बॉम्बे नासिक जो बड़ा बड़ा मेट्रो सिटी है, वो मेट्रो सिटी वाले लोग उनके भी उधर शादी नहीं हो रही क्यों, तो लड़की कम है, तो वो ग्रामीण भाग में इधर आ रहे लड़की देखने के लिए और वो ग्रामीण की लड़की के साथ वो भी शादी कर रहे। बोले तो यह अर्बन और ग्रामीण ऐसा यह पार्ट है, तो फिर ग्रामीण लड़की के साथ वो शादी कर रहे, लड़कियों की संख्या कम है, तो फिर लड़के ग्रामीण लड़के भी दे रहे पुणे बॉम्बे में, उधर क्या करता है वो, नौकरी करता है उधर, अच्छा है वो दे रहे। और उस लिए ग्रामीण भाग में जो मैं बात कर रहा हूँ ना, वो खेत है, खेत मजूर है, छोटा मोटा बिजनेस है, उन लड़कों की शादी नहीं हो रही। शादी नहीं हो रही तो फिर क्या करना चाहिए,
किसकी, सिस्टम की गलती है, सिस्टम ने जो जो निर्णय लिए वो गलत ले लिए, उसलिए आज ये तफावत है लड़के और लड़कों में। तो अब ये सिस्टम ने सुधारना चाहिए उसको। फिर मैंने जो वादा किया है, लड़कियों की शादी क्यों नहीं हो रही और क्या करने के बाद लड़कों की शादी हो जाएगी, किन लड़कों की, और ग्रामीण भाग में जो लड़के हैं, जो किसान है, किसान मजदूर है, जो छोटा मोटा उद्योग है, उनके साथ शादी होने के लिए माता पिताजी तैयार होना चाहिए, फिर किस बात पे तैयार हो जाएगी। तो सरकार ने गारंटी लेना चाहिए। और जो मैं यहाँ लोकसभा क्षेत्र में जो खड़ा हूँ, तो मैं अपील किया लोगों को, तुमने मेरे को चुन के दिया, तो जब दिल्ली में पहला अधिवेशन होगा वो अधिवेशन में हम बात रखेंगे, ये महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाके से लड़कों की शादी नहीं हो रही है, इसलिए सरकार ने क्या करना चाहिए उस पर चर्चा होगी, उस पर डिबेट होगी, और वो चर्चे में हम उधर रखेंगे। सरकार ने गारंटी लेना चाहिए, जब जिसका उम्र 25 साल से आगे है, 30 साल से आगे है, उसकी शादी नहीं हो रही, तो सरकार ने जब वो लड़की शादी करेगी किसान के साथ, किसान के खेत मजदूर के साथ, उस लड़की के नाम पे सरकारी बैंक में सरकार ने उसकी 25 लाख की एफडी करना चाहिए, और जो जो एफडी का इंटरेस्ट ब्याज आता है वो लड़की को हर महीने के लिए देना चाहिए। तब क्या हो जाएगा, वो लड़की के माता पिताजी को लगेगा मेरी लड़की सही जगह गई है, तो फिर वो ग्रामीण की लड़की ग्रामीण में ही शादी करेगी। अच्छा। और सरकार ने दूसरा निर्णय लेना चाहिए, जो अबॉर्शन करती है, जो लड़की पेट में ही मारा जाता है लड़की को, महाराष्ट्र में ऐसा हो रहा है, हो रहा है महाराष्ट्र में। अब तुम देखो इधर जो बैन लग गया है, किधर बैन लग गया है, हॉस्पिटल में बैन लग गया है, मगर वो घर में जाके किसान के घर पे कर रहे हैं, किधर गन्ने में कर रहे हैं, किधर ही कर रहे हैं। अच्छा। बहुत ऐसा मेरे को फोन आता है, क्यों मैं इस पर काम करता हूँ, इसलिए मेरे को डॉक्टर ही बता देते हैं। अच्छा। ऐसा ऐसा भी इधर हो रहा है, उस पर भी आवाज उठा दो। तो ये गलती सरकार की है, मगर सोचते क्या है, वो लड़का सोचता है क्या है, मेरे पास कुछ नहीं, मेरी ही गलती है, मैंने कुछ कमाए नहीं। अरे तुम पहला स्कूल करेगा, फिर तुम्हारा पेट भरेगा, और तुम बाद में कमाएगा। वो सिस्टम की गलती है। माँ बाप क्या सोचते हैं, मेरे पास कुछ नहीं, हमारा लड़का ही कुछ नहीं करता, हमारे पास कुछ नहीं, मगर वो ऊपर से नीचे नीचे तक आते आया ना। तो मेरा कहना क्या है, वो माँ बाप की गलती नहीं है, वो लड़की की गलती नहीं है, वो गलती पूरी है तो पूरा सिस्टम की है, तो सिस्टम ने उसको सुधारना चाहिए। अच्छा, तो आप सिस्टम में आएंगे तो इसे सुधारेंगे 100% मैं उसके सुधारने के बारे में बहुत अच्छे तरह से बात रख दूंगा। अच्छा, तो आपकी जो पॉलिटिकल जर्नी है, जब वो सामने आती है तो पता चलता है इससे पहले आप एनसीपी में थे। Yes. अभी आप वंचित बहुजन अघाड़ी का हिस्सा बने हैं, तो एनसीपी में रहने के दौरान ये मुद्दा कभी उठा था, क्योंकि 2022 में भी आपने एक मार्च निकाला था कुंवारे युवा किसानों के साथ जिनकी शादी नहीं हो रही थी, तो उस वक्त आप एनसीपी में थे, एनसीपी में ये मुद्दा उठा था। अगर ये पूरे महाराष्ट्र में इतना बड़ा मुद्दा है कि किसानों की या गरीब परिवार के लड़कों की शादी नहीं हो रही, एनसीपी से उस पर बात हो गई, हमारे लीडर से बात हो गई, हमारे शरद चंद्र जी पवार साहब ने उस पर बात किया। अच्छा, बात किया, वो मुद्दे पे बात क्या किया, जब नौकरी नहीं है उसलिए शादी नहीं हो रही, पवार साहब ने उसमें बताया। अच्छा, बोले तो नौकरी नहीं है उसके लिए शादी नहीं हो रही, उन्हें मोदी सरकार पे उन्होंने ये रख दिया, ये मोदी सरकार ने कुछ ही नौकरी नहीं दिया। उस लाइन से वो मुद्दा उठाया। अच्छा। मगर इस लाइन से ही उठाना चाहिए था, जो सामाजिक प्रश्न क्यों नहीं हो रही, पवार साहब ने मुद्दा उठाया, बहुत जने ने मुद्दा उठाया, मगर अधिवेशन में एक ही एमएलए ने उसमें मुद्दा नहीं उठाया, मेरे को ये कहना है। उनके लड़कों की शादी नहीं हो रही ये सामाजिक प्रश्न है, जब पंजाब में देख रहे आप 30 साल हो गए शादी नहीं हो रही, तो लड़के क्या कर रहे, डिप्रेशन में जा रहे, नशा कर रहे, और नशा करने के बाद वो किसका कुछ भी कर रहे। उड़ता पंजाब जो उसको पिक्चर निकला है वो उसी पर ही निकला है, उसको गलत दिखाया है, उसमें दिखाया है पाकिस्तान से ड्रग लाया, मगर वो बात वैसी नहीं है। लड़कों की शादी नहीं होने के बाद लड़का डिप्रेशन में जाता है, नशा करता है, और ये सेक्स का भी मामला है, जब सेक्स उसको नहीं मिलता टाइम पे तब भी वो डिप्रेशन में जाता है, वो अलग 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 उस पे मुद्दे पे अपन जो सर्च किया तो उसका प्रॉब्लम वो शादी ही है, और उसकी शादी सही वक्त होने के बाद फिर वो उसका वो जो नशा का मामला है, जो धाका डाड़ी का मामला है, जो वो गलत काम कर रहा है उसका मामला है, ये सब मिट जाएगा, नहीं तो ये महाराष्ट्र में कायदा सुव्यवस्था का प्रॉब्लम निर्माण हो जाएगा, रेप की संख्या बढ़ जाएगी, और ये गलती सरकार की रहेंगी, इसलिए सरकार ने इस पर जल्दी ही इसका अमल लाके उस पर सर्च करके एक टीम
उसमें के उसका क्यों नहीं हो रहा, क्या क्या नहीं हो रहा, उस पर कमिटी बटा के उसमें से मार्ग निकलना चाहिए, मार्ग निकालना चाहिए। आपने पूरा एक फॉर्मूला बताया। एक सवाल मेरा ये है, आखिरी सवाल है कि जब आप जीतेंगे और अब आप जब पहुंचेंगे, तो आपने कहा ये मुद्दा मैं संसद में उठाऊंगा, आपको क्या लग रहा है कि कितना सपोर्ट मिलेगा इस पर, क्या सब लोग सहमत होंगे? क्योंकि आज भी जो अखबार की हेडलाइन है वो है नौकरी रोजगार, इस ये मुद्दे हैं, महंगाई मुद्दा है, भ्रष्टाचार मुद्दा है। इस मुद्दे को कोई सीरियसली लेगा ये मानते हुए भी कि एक सामाजिक मुद्दा है, और आपने जितने कारण गिनाए वो हैं, डिप्रेशन है, नशा है, लेकिन क्या इसे संसद में सीरियसली लिया जाएगा? आपको लगता है कौन कौन सपोर्ट करेगा? बात सही रख लेने के बाद जो सही बात है, जो समझदार लोग है वो सही बात को पकड़ लेते हैं, और मेरे को आशा है ये संसद में 543 जो एमपी रहेंगे उसमें से ज़्यादातर एमपी मेरे को साथ देंगे। क्यों साथ देंगे? ये महाराष्ट्र का खाली प्रश्न नहीं, ये हरियाणा का प्रश्न है, पंजाब का प्रश्न है, गोवा का प्रश्न है, महाराष्ट्र का प्रश्न है, 5-6 स्टेट का प्रश्न है। तो 5-6 स्टेट के एमपी को लेके हम वो उसको मुद्दा बनाएंगे और मुद्दे को सही तरह रख देंगे, प्रेजेंटेशन करेंगे, तब वो मुद्दा उठाए जाने के बाद वो मान्य कर लेंगे, कर लेंगे। एक सवाल और है चलते चलते मेरा, कि हर बार एक प्लान बी बनाना बहुत जरूरी होता है किसी भी लीडर के लिए। अगर ये नहीं हुआ तो आपका प्लान बी क्या होगा, आप अपने स्तर पे क्या करेंगे? अगर ये नहीं हुआ तो जो बात है हम रास्ते पे लाएंगे, उठाएंगे और मार्च निकालेंगे और हम निवेदन देंगे। और ये खाली ये मुद्दा जब तक सही तरह से फिट नहीं होता तब तक हम संघर्ष करेंगे। तो ये हमारे साथ रमेश जी थे, और इन्होंने जो सामाजिक ताने बाने की पूरी बातें कही हैं वो कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है उस युवा से जिसके हाथ में हम देश का भविष्य समझते हैं। और रमेश जी का कहना है कि अगर भविष्य डिप्रेशन में जाएगा तो ये किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अच्छा नहीं होगा। आने वाले समय में चुनाव के नतीजे भी आएंगे और हम ये भी देखेंगे कि ये मुद्दा और कितना आगे बढ़ता है। आप जुड़े रहिए किसान दल के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है। 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।